कि पहले आप रिसर्च किए हैं? 2 महीने मैंने बहुत रिसर्च किया, इतने सारे टी स्टॉल्स पे गई हूँ ना मैं, सबका देखा है, कस्टमर्स देखा, बैठ बैठ के ऑब्जर्व किया है, पूछा है कि कितने चाय बेच लेते हो, क्या कर लेते हो, नहीं करते हो, चाय पे जितना कुछ था सब 2 महीने में जितना चाय पे चर्चा होता था, थी उन लोगों के साथ बैठ के सब सब मुझे शर्म नहीं आता था, लड़कों के 4 लड़के बैठे हैं उसके बीच में भी बैठ के हम चाय पीते हैं। चिलचिलाती धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, दिन का टाइम है, लेकिन इस धूप में हम लोग निकले हैं चाय पीने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, और फिलहाल हम लोग खड़े हैं पटना वेमेंस कॉलेज के पास। सारे चाय के स्पॉट को पहले कवर कर चुके हैं, बट हर एक स्पॉट पे कोई आपको मेल मेंबर मिलते हैं जो कार्ट को रन कर रहे होते हैं, जो वहाँ के ओनर होते हैं, बट आज पहली बार एक ऐसा कार्ट मिला है जहाँ एक लड़की है, बहुत कम एज में ग्रेजुएट है, और वो उस कार्ट को चला रही है। बिल्कुल ब्रांड न्यू सा जगह है, नई नई शुरुआत है, और इनसे मिलवाने, इनके बारे में बताने आप लोगों को हम आ चुके हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका गुप्ता। अच्छा, इस तरीके से धूप में खड़े होकर चाय बेचने का मतलब, ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ चाय बेचना पड़ रहा है? एक्चुअली जब एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं क्रैक हो पा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कब तक रहेंगे। मतलब एग्जाम्स क्रैक नहीं हुआ, इसलिए आप डिसाइड कर ली कि अब चाय ही बेचना है? बैंकर बनना मेरा सपना था भी नहीं। यूपी बिहार के पेरेंट्स बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, बहुत ज्यादा ही है ये चीज, इसीलिए यहाँ के कट ऑफ्स भी देखते हो कितने हाई जाते हैं, एंड बाकी अदर स्टेट्स के देख लीजिए, वहाँ सब अपना अपना बिजनेस में सेटल है, तो कट ऑफ्स भी बहुत कम जाते हैं। बट बिहार में तो एक बेनिफिट है कि मतलब विमेंस लोग का अपना अलग 35% रिजर्वेशन है यहाँ के एग्जाम में। मेरा सब कुछ उत्तर प्रदेश से ही था, तो वहीं से लास्ट 11 ईयर से, तो वहीं से फॉर्म फिलअप, वहीं से एग्जाम देना, सब कुछ वहीं का था, तो बहुत एक एक दो दो नंबर से छूट रहा था एग्जाम, तो अगर हो भी जाता तो मेरा ऑब्वियस सी बात, हम नौकरी छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि मन इसी में था। मन मेरा ना बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते, तो बचपन से सबको बिजनेस ही करते देखा है, तो कहीं ना कहीं अंदर वो था। एक फैमिली बैकग्राउंड भी आपका बिजनेस का है? बैकग्राउंड ही बिजनेस है मेरा, मेरा भाई भी है, वो भी मेरा छोटा भाई है, वो भी पापा ही के साथ बिजनेस करता है। अच्छा। और एक सबसे छोटा भाई वो IIT की प्रिपरेशन कर रहा है। आप मतलब MBA चाय वाला से इंस्पायर्ड होकर इस चीज़? MBA चाय वाले से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, मतलब ऐसा भी अलग नहीं है, चाय बेचना इज नॉट अलग, लेकिन फिर भी आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होकर आप सड़क पर चाय बेचना चाहते हो, इसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, एंड अगर किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेशन होना तो उसको करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, नो वन कैन स्टॉप। सही बात। तो आप कहाँ से किए हैं ग्रेजुएशन? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, मैंने 11th 12th फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप 2 साल मतलब तैयारी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, उसके बाद ये चाय का प्लानिंग 6 महीने पहले से, बस एक थॉट था, एक रैंडमली थॉट आया था, लेकिन पता नहीं था वो थॉट मेरी जिद बन जाएगी, और जिद मेरा चाय का स्टॉल बन जाएगा। अब अल्टीमेट गोल जो है वो मिल चुका है, और मुझे अपना इसी स्टॉल को आगे लेकर जाना है। तो चाय में कुछ वैरायटीज है? चाय में वैरायटीज है, ऑफकोर्स है, मेरे पास जैसे जनरली आप देखोगे ना, तो ये कार्ट वाले जो ठेले वाले होते हैं वो कुल्हड़ चाय बेचेंगे, अदरक इलायची बेचते हैं, एंड तंदूरी ज़्यादा से ज़्यादा, और सब फ्लेवर्स नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते होंगे, हम मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने ना अपने में यहाँ, जबकि मैंने कॉलेज चूज़ किया था, तो बच्चों को सोचा डिफरेंट फ्लेवर्स अच्छे लगेंगे, तो मैंने पान चाय रखा, चॉकलेट चाय रखा, और मसाला चाय रखा, अदरक वाली चाय तो वो सब है ही, नॉर्मल तो है ही, नॉर्मल से हटके ये 3 अलग वैरायटीज आपके पास है? अलग वैरायटीज, और धीरे धीरे और भी आएगा, जैसे रोज चाय और ये सब, तो अभी आपके पास 5 चाय वगैरह अवेलेबल है, चॉकलेट और मसाला अवेलेबल। हाँ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है ये फ्लेवर्स।